आसनसोल रेलवे डिवीजन की आरपीएसएफ की 16वीं महिला बटालियन द्वारा जल सेवा शिविर लगाया गया। एडीआरएम मुकेश कुमार मीना ने यात्रियों और जरूरतमंद लोगों के बीच शरबत वितरण किया। वहीं एडीआरएम मुकेश कुमार मीना ने आसनसोल रेलवे स्टेशन के सारे फूड स्टॉल और आसपास के इलाके की साफ सफाई का निरीक्षण किया। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। शनिवार को आसनसोल रेलवे डिवीजन की रेलवे सुरक्षा विशेष बल अर्थात आरपीएसएफ की 16वीं महिला बटालियन द्वारा जल सेवा की गई। आसनसोल रेलवे स्टेशन के सामने और स्टेशन परिसर में जल सेवा शिविर लगाया गया, जहां रेलवे सुरक्षा विशेष बल की महिला जवानों ने आम यात्रियों और जरूरतमंद लोगों को शरबत पिलाया। जल सेवा शिविर के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल रेलवे डिवीजन के एडीआरएम मुकेश कुमार मीना और आरपीएसएफ 16वीं महिला बटालियन के कमांडर दीपचंद आर्या ने यात्रियों और जरूरतमंद लोगों को शरबत पिलाया। जल सेवा में रेलवे सुरक्षा विशेष बल की महिला जवान भी बढ़ चढ़कर शामिल हुई। एडीआरएम मुकेश कुमार मीना ने जल सेवा के लिए रेलवे सुरक्षा विशेष बल की महिला जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से जल संरक्षण महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से किसी जरूरतमंद को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। सेवा भाव से प्रेरित होकर यह कार्य किया जा रहा है और ऐसे ही सेवा कार्य करने से सुनाम अर्जित होता है। उन्होंने कहा कि हमें भी आम लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और जहां कहीं भी पोस्टिंग हो, इसी तरह सेवा भाव से काम करना चाहिए। अभी एक महान काम होता है, जिस तरह से वातावरण में पेड़ पौधे लगाते हैं, वो हरियाली होती है, वो एनवायरनमेंट में बाद बरसात को आकर्षित करता है। फिर बरसात भारत जैसे देश में जहाँ गर्म देश है, वहाँ पानी का बहुत महत्व है, खासतौर से जहाँ बरसात कम होती है, तो इस तरह से इसको पानी पिलाना पुण्य का काम हमारे समाज में, हमारे उसमें देश में माना जाता है। तो ये सेवा भाव से प्रेरित होकर हम मानव सेवा ये कर रहे हैं। आरपीएसएफ की 16वीं बटालियन ने जो काम दिया है, बहुत ही सराहनीय काम है। और आप जहाँ भी ट्रेनिंग करके या जहाँ भी पूरे देश में आपकी पोस्टिंग होती है, तो इस तरह की भावना से, समाज सेवा की भावना से हमेशा काम करें, तो सब सुनाम होता है। एक अच्छे आज के दिन में एक जिस तरह से सरकार गवर्नमेंट भी हमारे जो फ्रंटलाइन स्टाफ में जिसमें आप लोग भी आते हैं, उससे कि एक किसको मदद कैसे करनी है, चाहे हैंडीकैप्ड है चाहे दूसरे तो है, आम नागरिक की मदद के लिए भी आप लोगों को आगे आना है। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल रेलवे स्टेशन के जितने भी फूड स्टॉल तथा आसपास के इलाकों की साफ सफाई के लिए आसनसोल रेलवे स्टेशन में एडीआरएम मुकेश कुमार मीना ने फूड प्लाजा में जाकर निरीक्षण किया। उसके साथ ही 2 नंबर प्लेटफॉर्म के कई सारे ऐसे स्टॉल है जहां पर जाकर उन्होंने स्टॉल के लोगों से बातचीत भी की। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शिल्पांचल एवं कोयलांचल में चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर। शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड पर अवस्थित भगवान दास विश्वनाथ अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित बीएन अग्रवाल मेमोरियल हॉस्पिटल में मिलेंगे राज्य सरकार की स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड की संपूर्ण सुविधा। साथ ही बीएन अग्रवाल मेमोरियल हॉस्पिटल के मरीजों के लिए उपलब्ध है बेहतर चिकित्सा के साथ साथ 24 घंटे की एम्बुलेंस परिसेवा। इतना ही नहीं, बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल अपने मरीजों को फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस, हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एरिक्सन इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करेगा। जानकारी के लिए संपर्क करें बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल रानीगंज, फोन नंबर 03412441810, 03412441809।